अब एक लड़की कह रही है बीएफ का मतलब है बुरा फैसला, और लड़का कह रहा है जीएफ का मतलब है गलत फैसला। सुनो, जिंदगी बहुत छोटी है, अब हमें ना छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। ये भी ठीक है। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख। अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उससे नाराज था, अब मैं उसे मनाऊंगा क्योंकि मैं उससे नाराज था। मेरी शादी में 1 घंटे की ब्रेक होगी, सारे घर जाके खाना खा ना, महंगाई बहुत हो गई है यार। हाथ में दिया लेके ढूंढो तो भी न मिले हम जैसी दूसरी तुम्हें। हमारा दिमाग सड़ गया है कि दूसरी भी तुम जैसी ढूंढे? और गर्लफ्रेंड तो मेरी भी क्यूट है, बस मिल नहीं रही, वो बात अलग है। भाई साहब, ये जो सामने रील देख रही है, इसके दिल में जाने का रास्ता बता सकते हो क्या? भाई, तेरी तो शादी होने वाली थी, कैंसिल कैसे हो गई? दहेज में साली को मांग लिया। भाई साहब, ये जो सामने रील देख रही है, इसके दिल में जाने का रास्ता बता सकते हो क्या? सुनो, बर्तन धो दिए मैंने। सुनो, कपड़े भी साफ कर दिए। सुनो, भिंडियां रह गई हैं। हाँ दे? बेबी, कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हस्बैंड। बात कुछ समझ न पाई, हमने पाई। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। हम कैसे करेंगे मोहब्बत, हमें तो रोमांटिक बातों पे हंसी आ जाती है। जब देखो धमकियां देता रहता है मुझे, ऐसे किया तो छोड़ दूंगा, वैसे किया तो छोड़ दूंगा। लगता है जैसे मौके की तलाश में रहता हूँ हर वक्त। उसे क्या लगता है कि वो कोई गलती नहीं करता? फिर भी मैं उसकी सारी गलतियों को माफ कर देती हूँ कि हमारी लड़ाई ना हो। जब देखो गुस्सा करता रहता है पकोड़े के मुंह वाला। गुस्सा करना मुझे भी आता है और शायद उससे ज्यादा ही आता है। उसको क्या लगता है कि उसके ऐसा करने से मैं उसका पीछा छोड़ दूंगी? या शायद वो जान के ऐसी बातें करता है कि मेरा दिल खराब हो जाए उससे। काश कि मैं उसके दिमाग में घुस जाती और सारी बातें जान लेती। अगर उसकी जिंदगी में कोई और है तो बता दे साफ साफ, दोनों को मुंह काला करके गटर में फेंक दूंगा। यार सबा, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ? नालायक, बेशरम, बदतमीज, मेरे होठों पे क्या जहर लग रही है? हाथों को चूमेगा? कोई किसी पर मर रहा है तो कोई किसी पर, हम पर कोई बेहोशी हो जाओ। ये पटाखा कौन है? भाभी है तेरी। अच्छा, इसकी कोई बहन है? नहीं, फ्रेंड तो होगी। सब कमिटेड है। मम्मी, कल रात तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम चिपक रहे थे। कहाँ देखा तुमने? सपने में। बताइए, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल। नहीं, आई लव यू। अकल बट रही थी तब तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पटा रहा था। अकल बट रही थी तब तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पटा रहा था। हम पुरुषों को ऐसी जीवन साथी चाहिए जो विश्व सुंदरी की तरह दिखे और बाई की तरह काम करे। तो हम महिलाओं को भी ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अंबानी की तरह कमाए और गूंगे की तरह चुप रहे। मैं मेरी होने वाली बीवी से एक बात कहना चाहता हूँ कि तेरे को ससुराल में नहीं आना। समझ में आ रही? थोड़ी बहुत अक्कल वक्कल है? यहाँ घर पर कितना काम पड़ा कुछ दिख रहा? देखो यहाँ रोटी बनानी, कपड़े धोने, फिर अलग बच्चों की पढ़ाई अलग लेट हो रही।
आ जा यार, कब आएगी? बैठी तो बैठी है, शरम वरम है थोड़ी। सुनो। हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। सुनिए मैडम, पटना है तो पटो वरना। मैंने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मैं और गलतियां करूंगा और सीखूंगा। हाँ, लव मैरिज का मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और अरेंज मैरिज का मतलब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तुम्हें किसी और के साथ देखने से अच्छा सांसें रुक जाए, मेरी नहीं तेरी, काले कर तू तू करे तमरा में है। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का, पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा, सुबेरे सुबेरे उड़ते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो और रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, जब सर के बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, फिर जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है, और जब काले हो जाते हैं तो लुगाई ढूंढता है। जिन लोगों का कहीं जी नहीं लगता वो मेरे नाम के आगे जी लगा सकते हैं। गाइस, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे? प्लीज बीच में मत बोल। अब आपका भाई बोल रहा है तो भी आपको तकलीफ हो रही है, आप ना एक नंबर के बिल्लू हो। दादी मैंने आपसे कहा था इसके सामने वो बिल्लू, वो तुम डोंट से दैट वर्ड। बिल्लू, बिल्लू की शादी होगी, बिल्लू का सहरा सजेगा, बिल्लू घोड़ी चढ़ेगा, बिल्लू दूल्हा बनेगा, बिल्लू बिल्लू बिल्लू। एक दोस्त रोज मुझे उदास शायरी भेजता है, अब तो मैं भी उसकी माशुका को मिस करने लगा।